बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनता के साथ छलावा किया। मिश्र ने देवरिया सदर विधानसभा के उपचुनाव में बीएसपी उम्मीदवार अभयनाथ त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध चरम पर है। चारों ओर जंगल राज कायम है, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही, बहु बेटियों का घर से निकलना कठिन हो गया है। हाथरस कांड इसका जीता जागता उदाहरण है। बेरोजगार युवकों के पास कोई काम नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि बेरोजगार युवा पकौड़े बेचें। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं दलित वर्ग का सरकार के इशारे पर उत्पीड़न किया जा रहा है। जनता इनकी नीयत को समझ गई है और उपचुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देने को तैयार है। एक सवाल के जवाब में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अफसर निरंकुश हैं, बेकसूरों को शूट किया जा रहा है, वहीं मंदिर और जात के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। मिश्र ने आगे बताया कि बीएसपी उपचुनाव के मैदान में पहली बार उतरी है ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंक सके। इस दौरान पूर्व मंत्री नकुल दुबे, राजकिशोर सिंह सहित बीएसपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में जो अभी की स्थिति है, ऐसी स्थिति न कभी पहले रही है और न भविष्य में रहेगी। जितना इस समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और दहशत का राज, जहाँ रोज़ाना एक नहीं आधा दर्जन बलात्कार हो रहे हों और उनको किसी को पकड़ा ना जा रहा हो, उनको जिसको छोड़ना है उनको पहले से भगा दिया जाता है, इस तरह का राज्य चल रहा हो जहाँ पर लोगों को शूट आउट करके गोली मारी जा रही है, लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं, तो ऐसी सरकार अब इसका समय आ गया है और ये सरकार जाने का समय आ गया, उल्टी गिनती शुरू हो। पहली बार आपकी पार्टी उपचुनाव लड़ रही है? हम लोग उपचुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अब समय आ गया है कि इनको जवाब देने का समय आ गया, और इसीलिए हम लोग अब की बार उपचुनाव में लड़ रहे हैं कि एक संदेशा जाए और हम लोगों और प्रदेश की जो लोग हैं वो चाहते थे बहुजन समाज पार्टी से कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को लड़े और इनको सबक सिखाने का। धन्यवाद।